नमस्कार आदाब सत मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर दूड टाइटल आपको दिख रहा होगा ट्वेंटी ट्वेंटी कल हमारी क्लास नहीं हुई थी तो क्लास मैं आज ले रहा हूं उसके बदले में आज हमारी क्लास होगी एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को छब्बीस जून दो की बातें करेंगे करंट अफेयर्स करेंगे उसकी एंड चलते हैं आगे बढ़ते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दी आर एंड द बैंक नबार्ड बैंक एग्जाम सबका कोम्बो पैक ओके लेने की इच्छुक हो तो ले लीजिएगा एंड आपको लगे कि अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो ले लीजिएगा मेरा एक नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में फिर डिटेल में आपको मैं बताऊंगा ज़रूर एक दिस इज ऑल अबाउट द फीस वट यू हैव टू पे फॉर द ट्वेल्व मंथ्स एंड फॉर द बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन एंड There is also a combo offer. Okay, Agar combo lena hai, if you want to go for the combo offer, then you have to pay this amount. And if you want to go for the only bank exam subscription, then you have to pay this much of amount. Okay, and in addition to that, you can also avail further 10% discount by using there are various codes. Okay, you can avail 10% discount by using any of the referral code, and you will be getting this. But my preference, just go for this combo offer so that you can get all the classes of the bank exam, RBA as well as the NABARD grade B, NABARD grade A. Do join my telegram channel, The just you need to type at the red K Kartpal in the telegram uh, box, in the telegram search box and there will be a channel with the name of General Awareness with Kapil Kartpal which will be having which are having uh, more than 57,000 subscribers do join that channel for any of the updates of my classes or the PDFs any other information from my side ok. So uh, on the screen you can see the complete chart of all the banks on which the RBI has imposed the penalties.

राइट right. अब यहां पर आपको आ, दिख रहा होगा मैंने दे दिए अब कुछ और चीजें आप कहेंगे कि आरबीआई की सर वेबसाइट से अगर आपने कुछ चीजें नहीं दी या नहीं दी या ऐसा है वैसा है मैंने आरबी की वेबसाइट से जितनी पिछली न्यूज थी वो मैंने इस पीपीटी में दे दी है जो मैं भी शेयर करूंगा इस क्लास के बाद इसके अलावा मैंने कोई और न्यूज़ नहीं दी है उसका रीजन ये है कि बहुत सारी ऐसी न्यूज रिसेंटली आरबी के द्वारा आई थी जो कि मैंने केवल समझाई थी आरबी की वेबसाइट पर जो न्यूज आई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं थी बट जो चीजें मैंने समझाई थी वो इंपॉर्टेंट थी या फिर मैं ये कहूं कि इन न्यूज में जो ये ये पर्टिकुलर सिंगल सिंगल न्यूज जब कराई थी तो इनमें किस पर्पज से यहां पर पेनल्टी लगाई गई है उस चीज को मैंने समझाया था तो वो चीज मैं यहां पर किसी भी पीपीटी में इंक्लूड नहीं कर रहा वो आपको खुद समझना पड़ेगा खुद अपनी लैंग्वेज में उस चीज को लिखना पड़ेगा क्योंकि वो जस्ट एक ऑन द स्पॉट चीजें होती हैं जो मैं समझाता हूं उसको ना ही मैंने कहीं डिफाइन करा गया ना ही कुछ लाइक द एफ की न्यूज आई तो एफ मैंने आपको वेबसाइट पर जाकर पढ़ा दिया तो एफ के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने समझाया आप वो चीज नोट कर सकते हैं लाइक like और भी बहुत सारी न्यूज आई थी आपकी लेटेस्ट दो तीन न्यूज और थी ऐसी ही न्यूज जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाई थी लाइक द यूसीआईसी मैंने समझाया था तो वो चीज अपने लेवल पे नोट के लिए जो पेनल्टीज से रिलेटेड न्यूज थी वो सारी सारी मैंने दे दी है पिछले दिनों में जितनी भी आरबी से रिलेटेड न्यूज थी ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब मेन जो हमारी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं आरबी की वेबसाइट पे काफी सारी न्यूज है अपडेशन है उसको कल करेंगे हम ठीक है कल करेंगे उसके बहुत सारी न्यूज आई है अभी हाल ही में आरबी की वेबसाइट्स पे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज हैं समझने वाली न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी न्यूज है उसको कल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे राइट आज हम दूसरी न्यूज कर लेते हैं जिसमें आपका आ, सबसे पहले चीजें शामिल हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड बाई दी दिल्ली सो so, यहाँ पर मिनिस्टर जो की है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड नाइन्टीन विच इज बाय दिल्ली आई आई टी दिल्ली के द्वारा यहां पर बनाई गई एक आर किट यहां पर लॉन्च की गई है संजय दो जी के द्वारा इस किट को जो बनाया है वो आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर जिस टीम को लीड किया था डॉक्टर हरपाल सिंह जी ने यहाँ पर लीड किया था एंड दिस किट इज यूज फॉर इन विट्रो क्वालिटेटिव डिटेक्शन कोविड नाइन्टीन को यहां पर डिटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलरली यहां पर रैपिड टेस्ट किट लॉन्च की गई है बनाई गई है किसके द्वारा आई आई टी दिल्ली के द्वारा एंड ये आपके रैपिड टेस्ट जो बेसिकली करता गया है उसके बारे में लिखा हुआ है रैपिड कोविड टू ए जी रैपिड टेस्ट ये एक तरह का जो भी ये पज है कैसे कैरी आउट किया जाता है क्या चीजें इसमें होती हैं वो सब यहां पर पर्पज लिखा हुआ है एग्जाम पॉइंट से आपके क्वेश्चन कि हाल ही में एक आईआईटी के द्वारा कौन से आईआईटी के द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट डेवलप की गई है राइट आंसर आईआईटी दिल्ली रहेगा उस रिसर्च टीम को लीड किसने किया था डॉक्टर हरपाल सिंह जी ने यहां पर उस पर्टिकुलरली रिसर्च uh, टीम को लीड किया था राइट right, चलिए आगे चलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ द एल आई डी ए आर सर्वे ऑफ फॉरेस्ट कि यहां for, uh, प्रकाश जावेडकर जी इन्होंने एक वर्चुअल इवेंट में यहां पर रिलीज की है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द एल आई डी ए आर बेस्ड सर्वे किसकी किसका सर्वे बेसिकली किया गया यह किया गया फॉरेस्ट एरियाज का सर्वे और कौन से स्टेट्स में टोटल दस स्टेट्स में असम बिहार छत्तीसगढ़ ये अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं यहां पर देख सकते हैं ए बी सी जी जे एम 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 एन एन टी ओके सो दिस इज ए बी सी जी जे एम क्यूब एन एंड टी सो दीज आर स्टेट्स दीज आर दिन स्टेट्स विच यू नीड टू रिमेंबर दीज आर फॉरेस्ट एरियाज फॉरेस्ट एरियाज इन दीज टेन स्टेट सर्वेड and this is the survey which is done by the LIDAR based survey. Okay, so यहां पर LIDAR क्या है आखिरकार पहले तो ये देख लो यहां पर LIDAR जो है जिसका full name है Light Detection and Ranging. Light Detection and Ranging. एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जो कि लाइट को यूज करता है आपका और उसके थ्रू यहाँ पर मेजर किया जाता है यहां पर अलग अलग जगहों को अलग अलग जगह एरियाज़ को यहां पर आपका एक सैटेलाइट के माध्यम से कह सकते हैं यहां पर सर्वे किया जा सकता है ठीक है इसके बारे में और काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं लेजर स्कैनर स्पेशलाइज्ड जीपीएस सर्वे एयरप्लेकॉप्टर दोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म आई डी आर डाटा सर्वे किया जाता है और इस बार जो सर्वे किया गया इस टेक्नोलॉजी को यूज करके किसका किया गया फॉरेस्ट एरिया का यहाँ पर सर्वे किया गया और उसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो यहां पर रिलीज की गई है इस रिपोर्ट में यहां पर आया है प्रोजेक्ट टू स एक कंपनी है जिसको पहले वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ही यहां पर काम करती है एंड इसने यहां पर अपने आप में पहले तरीके का यह सर्वे कंडक्ट किया एंड जिसमें यहां पर बेसिकली सर्वे किस परपज से किया गया वो यहां पर इन दो लाइन में लिखा हुआ है इसका मेन पर्पज था

कौन सा ऐसा सोर्स है कौन सी जगहें हैं पोन्ट्स हैं तालाब है या फिर कोई ऐसा ग्राउंड वाटर सोर्स है या फिर कोई और एक एरिया बनाओ जहां पर पानी है उन सब चीजों को यहां पर इस सर्वे में फाइंड आउट करने की कोशिश की गई यहां पर ये थ्री डी डायमेंशनल डिजिटल एलिवेशन मॉडल इमेजरी एंड लेयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एरियाज आर यूज फॉर रिकमेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर एग्जाम्पॉइंट क्वेश्चन यहां पर पहली चीज तो दस स्टेट्स के नाम याद रख लीजिएगा ठीक है दस स्टेट्स के नाम याद रख लीजिएगा यहां पर आपका एंड वेबकोस वेपकोस की फुल फॉर्म पहले जानते थे पहले इस नाम से जानते थे यहां पर बट यहां पर इस नाम से दैट इज वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड पहले था इसका नाम अब वेपकोस के नाम से ही जाना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति याद रख लीजिएगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेजार बेस्ड सर्वे द स्टेट्स वेबकोस के बारे में ये नीचे लिखा हुआ जिसके चेयरमैन एंड एमडी आपके देवाश्री मुखर्जी हैं देवाश्री मुखर्जी इसकी यहां पर आपका हुआ देवाश्री मुखर्जी चेयरपर्सन एंड एम डी वैपकोस राइट ये हमने पढ़ लिया नेक्स्ट चलते हैं श्री अपूर्वा चंद्रा ओके अपूर्वा चंद्रा सेक्रेटरी एल एंड ई कंप्लीटेड एज चेयर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर होल्डिंग द पोजीशन फॉर अ पीरियड अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच में इस पीरियड के बीच में यहाँ पर आपका एक जो चेयर किया था किसने चेयर किया था यहाँ पर अपूर्वा चंद्रा ने अपूर्वा चंद्रा जी ने इस बा... गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर चेयरपर्सन थे उसके और अब उस पर उस उस पोस्ट से ये हट चुके हैं और उन्होंने अपनी जो जिम्मेवारी है वो किसको संभाली है वो बने हैं अब एना जर्द ओके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्वीडन स्वीडन से बिलोंग करते हैं यहाँ पे एंड इंडिया ने यहाँ पर ये जो चेयरमैनशिप इस पर्टिकुलर काउंसिल की हासिल की थी पैंतीस वर्षों के बाद हासिल की थी और इस दौरान यहाँ पर इंडिया ने बहुत सारे यहाँ पर मीटिंग्स के बारे में यहाँ पर चेयर किया उसको एंड दिस इज द आईएलओ की गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ कौन थे अपूर्वा चंद्रा और अब कौन आए हैं एना जर्द फेल्ट ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं और अगर मैं एग्जामिनर होता तो एना जर्द फेल्ट का कंट्री पूछ लेता कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं यहां पर आपका स्वीडन से ओके okay. ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं आईएलओ डायरेक्टर जनरल स्विट्जरलैंड ओके अभी एक बार क्लास में कंसंट्रेट कर लो ठीक है जो भी क्वेरी है जो भी डाउट है क्लास के एंड में बात कर लेंगे उसके ऊपर कुछ भी आपको पूछ पूछना है मुझसे तो पूछ लीजिएगा अभी कोई फायदा नहीं आप भी अपने टाइपिंग उंगलियां खराब करोगे मैं कोई जवाब देने वाला हूं नहीं ठीक है इट्स बेटर की क्लास के एंड में मुझसे पूछ लीजिएगा अभी क्या करो अभी कंसंट्रेट उस पर करो ना उसमें से क्वेश्चन आएंगे आपकी टाइपिंग से तो क्वेश्चन आएगा नहीं डाउट होते हैं क्वेरी होते हैं बट एक सही समय होता है हर एक चीज का फिर कहते हो कि सर अब हमारा हो नहीं रहा हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा हमारी उम्र निकल रही है ध्यान कहीं और होता है क्लास में श्री रविशंकर प्रसाद यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन्होंने लॉन्च किया है ई फाइलिंग पोर्टल ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इताते द्वार इताते द्वार यहां पर आपका ये लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन ये हमारे हैं इन्होंने ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ये इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं है ध्यान रखिएगा ये इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं है दिस इज अ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई इनकम टैक्स से शिकायत है या फिर इनकम टैक्स अगर किसी भी तरह का केस फाइल कर रहा है इनकम टैक्स से शिकायत है वो पर्टिकुलर एक जगह पे आपकी सुनवाई होगी बट अगर कोई ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसके अगेंस्ट आपको फिर से शिकायत करनी है तो आप कहां करते हैं नेक्स्ट हायर कहाथरिटी पे करते हैं शिकायत लाइक like दी आपके हाई कोर्ट का आपने कोई फैसला है तो उसको चैलेंज कहां किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है उसी तरह से अगर लोअर लेवल का जो ट्रिब्यूनल है किसी भी तरह का किसी भी डिपार्टमेंट का उसका नेक्स्ट हायर अथॉरिटी क्या होती है अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके नाम में जुड़ जाता है दैट इज आप यहां पर उस फैसले के अगेंस्ट अपील कर सकते हो तो दिस इज द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है इसका यहां पर एक ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया अगर आपको किसी तरह की कंप्लेंट सबमिट करनी है अगर आपको यहां पर द न्यूली डिवेल्प ई फाइलिंग पोर्टल वुड एनेबल टू फाइल देयर अपील्स ओके टू फाइल देयर अपील डॉक्यूमेंट्स पेपर बुक्स एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली सो ये सब चीजें यहां पर कर सकते हो जस्टिस पीपी भट्ट जो कि इसके प्रेजिडेंट है आई टैट के आई टैट के यहां पर प्रेजिडेंट है जस्टिस पीपी भट्ट राइट ओके चलिए आगे चलते हैं हम अगली न्यूज आई है सत्यन वैद्या अपॉइंट किए गए एडिशनल जज ऑफ़ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के यहां पर हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के एडिशनल जज अपॉइंट किए गए हैं नाम है इनका श्री सत्यन वैद्या जी श्री सत्यन वैद्या जी दो साल के लिए किए गए हैं यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सत्येन वैद्या जी का नाम चलो याद हो ही जाएगा आपको बट एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जा सकता है वो है हु

जो अपॉइंट कर सकता है वो कर सकता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट श्री सत्यन वैद्या को अपॉइंट किया है एडिशनल जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का राइट ओके चलिए आगे चलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी आर पी एफ एनहेंसिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स एंड अदर रेलवे ऑपरेशन सो आर पी एफ ने हाल ही में एक प्लान बनाया है जो कि टाइटल दिया है उसको रीच आउट सिक्योर एंड रीहेबिलिटेट फॉर द प्रोटेक्टिंग कोविड ऑर्फन्स ऐसे लोग जो कि कोविड की, की वजह से बच्चे अनाथ हो चुके हैं उन लोगों को यहाँ पर मदद पहुंचाने के लिए आर पी एफ दैट इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यहाँ पर अपना काम शुरू किया इन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया उन बच्चों को जो कि मुसीबत में है एंड एट द स्टेशन इन ट्रेन और इन नियर बाई टाउन्स विलेजेस हॉस्पिटल ड्यू टू कोविड की वजह से अनाथ हो चुके हैं और यहाँ पर आपका इनको ये नई टेक्नोलॉजी या फिर ये नई स्कीम या नया उन्होंने अपना फंडा शुरू किया है प्लान शुरू किया इसके अलावा यहां पर रेलवे फ्लड रिलीफ टीम भी यहां पर बनाई गई है ओके रेलवे फ्लड रिलीफ टीम भी यहां पर बनाई गई है डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइडिंग आर टू द डिजास्टर रिलीफ इन द ट्रेन ड्यू टू फ्लडिंग ओके सो यहां पर फ्लड की वजह से यहां पर कोई ऐसे लोग जो प्रॉब्लम में है जो इश्यू में है यहां पर आपका एंड दिस इज द रेलवे फ्लड रिलीफ टीम ये भी यहां पर डिजाइन की गई है टीम के पास आपका पानी खाना मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करवाएंगे और ये सारा का सारा रेस्क्यू ऑपरेशन रिलीफ एजेंसीज के साथ मिलकर वो लोग काम करेंगे 15 आरपीएफ मैन वीमेन ट्रेन किया गया उनको एनडीआरएफ के द्वारा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एंड दी 75 मोर बीइंग ट्रेन फाइव मोटराइज्ड इन्फ्लेटेबल बोर्ड्स विद सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोक्यूर्ड एंड स्टेशन एंड फाइव वनरेबल लोकेशंस ओके सो ये आपका एक फैक्ट हो गया एक फिगर्स के साथ एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ़ आरपीएफ अरुण कुमार जी अरुण कुमार जी आरपीएफ के यहाँ पर आपके डायरेक्टर जनरल है नेक्स्ट न्यूज आई है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एनहेंस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम पिनाका रॉकेट सिस्टम को यहां पर डीआरडीओ ने यहां पर टेस्ट फायर किया है एंड इसके इसमें आपके टोटल सिक्स रॉकेट्स लॉन्च किए गए इन अ क्विक एंड टेस्ट मीट कंप्लीट मिशन ऑब्जेक्टिव ये यहां पर एक रॉकेट सिस्टम पिनाका दैट इज फ्रॉम अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एट इंटीग्रेटेड टेस्ट चांदीपुर ओडिशा चांदीपुर ओडिशा से यहां पर इसको लॉन्च किया गया है डी के द्वारा डी ओके ट्वेंटी फाइव पिनाका एक सेकेंड कुछ कन्फ्यूजन है क्या ट्वेंटी फाइव एनहस पिनाका रॉकेट्स पर इन क्विक क्विक्शन और यहाँ पर लिखा टोटल ऑफ सिक्स रॉकेट्स पर या ये पिक्चर फिर पुरानी लग गई ये पिक्चर पुरानी है शायद ये तो हंड्रेड परसेंट श्योर ट्वेंटी फाइव है वो पिक्चर में गड़बड़ है ठीक है जब पी डी एफ मिलेगी तो पिक्चर हटी होगी मिलेगी आपको ठीक है या मैं कन्फर्म कर लूंगा दिस इज आई एम डैम श्योर ये गलत नहीं है ओके सो स पिन आकर रोकेट द रोकेट सिस्टम हैज हैजेल्प ज्वाइंटली किसके द्वारा डेवलप किया गया यह डेवलप किया गया अर्मानेंट अर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड दी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी साथ में सपोर्ट है मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर का इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया राइट right, इनके द्वारा इनको डेवलप किया गया है यहां पर यह आई है आपकी न्यूज दैट इज द डीआरडीओ टेस्ट फायर पिना पिनाका रॉकेट किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये यहां पर इंपॉर्टेंट है ठीक है ट्वेंटी फाइव यहां पर रॉकेट्स को लॉन्च किया गया था नेक्स्ट एक और न्यूज इसी तरीके की है वो है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एनहेंस्ड रेंज रॉकेट ओके वन ट्वेंटी टू एम एम कैलिवर रॉकेट यहां पर किसने लॉन्च किए हैं डीआरडीओ ने इसका टेस्ट फायर किया है एंड ये यहां पर आपके वही उसी जगह पर यह किया गया फॉर एनहस रेंज वर्जन टेस्ट फायर दीज फॉर द आर्मी के लिए डेवलप किए गए जिनकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है और इसको किसने बनाया है इसको भी उसी ने बनाया है जिसको पिछले ने बनाया था वही ए आर डी ई एच सी एम आर एल उन्होंने ही इसको भी यहां पर बनाया है गॉट इट ओके सो दिस इज द दिसोज ए आर डी ई एच सी एम आर एल एंड द इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहां पर है अलग से क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहां पर है नागपुर में है नेक्स्ट न्यूज नीति आयोग नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मेटरसेंट एंड चाइल्ड हुड ओबेसिटी अंडर देयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वी के पोल वहां पर थे नीति आयोग को चेयरमैनशिप किसकी थी डॉक्टर आर हेमलता डायरेक्टर है न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सो यहाँ पर आपकी ये न्यूज नीति आयोग ने हाल ही में एक ऐसी कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस अटेंड कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जो कि रही थी आपके प्रिवेंशन मेटर एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी मोटापे रिलेटेड यहां पर एक मीटिंग आयोजित की गई नीति आयोग के द्वारा राइट ओके नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट ओके सो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है दो दिन की समिट इंडिया ने क्या किया है दो दिन की ये समिट ऑर्गेनाइज की है ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग ब्राजील रशिया इंडिया एंड China ब्रिक्स नेशन साउथ अफ्रीका पांच नेशन है आपके ब्रिक्स के ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड दी साउथ अफ्रीका हाँ मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ आप जाओ ना वहां पर जाओ ना जहां पर न्यूज नहीं देते और वो बोल के पढ़ाते वहां पर आपको एक घंटा उसको नोट करने में लगता है ना वहाँ वो बैटर रहता है चीजें मैं तो न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ मुझे पढ़ाना आता कहाँ है इंडिया ने ऑर्गेनाइज की है दो दिन का समिट ओके ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जिसमें ब्रिक्स नेशन शामिल है ठीक है और ब्रिक्स नेशन जो शामिल है यहां पर और ये आपकी 22 जून को हुई थी और ऑर्गेनाइज की गई थी एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा इसको यहां पर ऑर्गेनाइज किया था इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी इंटीग्रेटेड कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड दो दिन की यह सम्मिट को ऑर्गेनाइज किया था ग्रीन हाइड्रोजन गैस जो है कैसे कैसे ऑब्जर्व की जाती बनाई इलेक्ट्रोलाइजर दैट मे बी पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी राइट ओके और इंडिया का टारगेट क्या है इंडिया प्रोड्यूस अराउंडी लैक टन ऑफ हाइड्रोजन एनुअली एंड इट्स एक्सपेक्टेड दैट कंट्री में सी अ ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड ऑफ सोलह हजार पर टन 2024 तक एंड वन मिलियन टन बाय 2030 तक। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन सबसे पहली चीज इसमें आएगी कि किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एन लिमिटेड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक है ओके एंड ब्रिक्स नेशन किसके बीच में ऑर्गेनाइज किया ब्रिक्स नेशन ब्रिक्स नेशन ब्रिक्स सेमिनार जी ग्रीन हाइड्रोजन एन टी पी सी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एन टीपीसी के बारे में यहां पर आपसे पूछा जा सकता क्वेश्चन ऑर्गेनाइज किया लास्ट पैराग्राफ जो आपको एक इनकेस एक, अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव कोई क्वेश्चन आता है पूछते हैं रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन तो यू कैन गिव दीज पॉइंट ओके डिस्क्रिप्टिव में आप इसको पॉइंट्स को यूज भी कर सकते हो नीचे वाले पैराग्राफ को ठीक है ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं कैबिनेट ने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ दी डब्ल्यू सी सी आर डब्ल्यू सी यहां पर मर्जर हुआ है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड का सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ ओके okay. सो so, पर किसका मर्जर हुआ है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड का सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ किसका मर्जर हुआ है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का किसका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का किसके साथ यह मर्जर हुआ है आपका सेंट्रल रेल साइड वोटर वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड के साथ ओके okay. सो so, दोबारा से एक बार करेंगे क्या करेंगे सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी शॉर्ट नेम है सी आर डब्ल्यू सी सी आर डब्ल्यू सी जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी और इसका हुआ किसके साथ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ जिसको शॉर्ट में हम सी डब्ल्यू सी कहते हैं ठीक है इन दोनों का जो मर्जर हुआ है क्यों हुआ है इन दोनों का मर्जर इन दोनों का मर्जर इसलिए हुआ है क्योंकि कि दोनों की दोनों जो एजेंसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक तरीके का ही काम करती हैं तो इसलिए इन दोनों का मर्जर कर दिया गया है ओके सो ये क्या किया गया है मर्जर किया गया है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी का किसके साथ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का ओके सो याद हो गया ना बच्चों हो गया याद बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार अप कर दो फटाफट जल्दी से अप कर दो याद हो गया तो बताना मुझे लाइक like कर देना सेशन को शेयर कर देना सेशन को जरूर पक्का ठीक है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाइक like तो बनता है शेयर तो बनता है तो क्या है न्यूज न्यूज है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड का सेंट्रल वेयर हाउसिंग के साथ मर्जर कर दिया गया है ओके okay, ठीक है समझ गए चलो आगे चले ओके अब इसमें से क्वेश्चन पता है क्या आएगा क्वेश्चन यह नहीं आएगा कि इसका मर्जर किसके साथ हुआ है यह नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में पता है क्या आएगा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मिनी रत्ना कंपनीज कौन सी होती है ठीक है मिनी रत्ना कंपनीज कौन सी होती है ये आपको बताया जाएगा पूछा जाएगा ठीक है तो आज गूगल कर लेना महारत्ना कंपनीज मिनी रत्ना कंपनीज कौन सी होती है राइट right, ओके okay. किसी टीचर का मजाक उड़ाना शोभा नहीं करता और शायद आपको भी किसी टीचर का मजाक उड़ाना शोभा नहीं करता आप जो अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख रहे थे क्रिएटर जी बहुत कुछ गालियां भर भर के मुझे लिख रहे थे अपनी लोकल लैंग्वेज वो भी शायद आपको भी शोभा नहीं करता मैं एटलीस्ट किसी को गाली तो नहीं निकाल रहा ना आप तो गाली निकाल रहे थे मुझे दूसरी अपनी लोकल लैंग्वेज में है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ द जुराई नगर प्लांट ऑफ जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड द दी फोस्फेट्स लिमिटेड ओके सो यहां पर एक्विजिशन हुआ है किसका हुआ है एंड जुआरी जुआरी नगर प्लांट ऑफ जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड ओके okay, सो so ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आखिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर आपकी आ, क्यों इसको अप्रूवल की जरूरत होती है उससे क्योंकि आपकी कभी भी दो कंपनीज जो मर्ज होती हैं एक्वायर की जाती हैं तो कंपटीशन मार्केट में कम नहीं होना चाहिए एक फेयर कंपटीशन बने रहना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को यहां पर किसी तरह का नुकसान ना हो सो so, ये एक अप्रूवल दिया गया है जुआ, जुआरी नगर प्लांट ऑफ जुआरी एग्रोलेट पैरादीप फोस्फिट लिमिटेड पीपीएल शेल एक्वायर द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूरिया एंड नॉन यूरिया फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स प्रेजेंटली बीइंग कैरीड आउट बाय

तो उसका स्टैटिक यहां पर जानने की हमें जरूरत नहीं है बट इसका स्टैटिक आपको पता होना चाहिए दैट इज सुरेश कृष्णन ओके सो यहां पर सुरेश कृष्णन यहां पर ये यह इसके हेड है और सीसीआई के अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। राइट ओके आगे चलते हैं हम कोस्ट इफेक्टिव बायो कॉम्पैटिबल नैनो जनरेटर्स ओके सो यहाँ पर बायो कम्पैटिबल नैनो जनरेटर्स ये यहाँ पर आए हैं कोस्ट इफेक्टिव साइंटिस्ट है सिंपल कोस्ट इफेक्टिव बायो कॉम्पैटिबल ट्रांसपेरेंट नैनो जनरेटर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइब्रेशन ऑल राउंड फॉर यूज इन दी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्फ पावर डिवाइस एंड अदर बायोमेटिकल एप्लीकेशन ओके सो ये चीज आपकी आई है साइंटिस्ट ने एक डेवलप किया है आपका एक सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव बायो कंपेटिबल ट्रांसपेरेंट नैनो जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है फ्रॉम दी दाइब्रेशन कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइब्रेशन ऑल अराउंड ओके डॉक्टर शंकर राव एंड हिज टीम फ्रॉम सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु ये नाम याद रख लीजिएगा बेंगलुरु से है ओके एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है और इन्होंने इसको बनाया है ट्रांसपेरेंट टी ई एन जी ट्रांसपेरेंट टी ई एन जी इसको यहां पर बनाया गया है यूजिंग थर्मोप्लास्टिक पोली ओके सो इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है आखिरकार ये क्या है ट्राइबो इलेक्ट्रिकल नैनो जेनरेटर इसके बारे में पढ़ना चाहो पढ़ने के इच्छुक हो पढ़ लेना समझ में आता हो कि क्यों बनाया है क्या बनाया है इंजीनियर्स लोगों को ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा मुझे नहीं पता लग रहा ये क्या चीज़ कैसे बनाई गई है क्या मतलब पर्पज क्या मतलब ये एग्जैक्टली exactly कैसे काम करेगा बट अगर आपको ऊपर से जानना है या, या आपको याद करना है या आपको यह समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा तो क्वेश्चन बस इतना ही आएगा फिलहाल टी ई एन जी के फुलफॉर्म याद रख लेना और दूसरी चीज इसका पर्पज याद रख लेना ठीक है ये बनाया गया है और क्या चीज की है किसने किया है इन्होंने किया है बेंगलुरु में बस इतना इसमें से यहां पर याद रख लेना इतना अगर आपको बाकी पढ़ना है समझना है तो आपके लिए है और एक कुछ चार्ट में भी दे रखा है इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो नेक्स्ट चलते हैं क्यूसीआई ने लॉन्च किया आईसीएमईडी प्लस स्कीम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन्होंने लॉन्च किया है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस दिस ओके सो यहां पर इन्होंने लॉन्च किया इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस वन प्लस स्कीम को यहां पर यह अपग्रेडेड वर्जन है आईसीएमईडी स्कीम जो कि दो में लॉन्च की थी जो कि आपके मेडिकल डिवाइसेज को सर्टिफाई करती है मेडिकल डिवाइसेस को यहां पर सर्टिफाई करता है ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी इसका पर पर किया गया है अपग्रेडेड वर्जन यहां पर लॉन्च किया गया है यह चीज आपकी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह चीज यहां पर लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री याद रख लेना एंड आई सी प्लस जो है ये अपने आप में पहले तरीके की स्कीम है पूरी दुनिया में जहां पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अलोंग विद द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन यानी क्वालिटी भी चेक होती है और प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन भी आपकी की जाती है जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो भी रेगुलेशन है जो भी उसके लॉज रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाना है वो चीज़ यहां पर की जाती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में एंड दी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर और मेडिकल डिवाइस जिन्होंने इसको अप्रूव किया है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है सो so, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन आएगा किसने इसको अप्रूव किया है लॉन्च किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहली चीज ICMED की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा क्या है ICMED की जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी 2016 में ये लॉन्च की 2016 सन याद रख लीजिएगा ये सब चीजें आपकी यहां पर लिखी हुई हैं मेंशन की हुई हैं ठीक है ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉर हाई स्पीड रेल्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है आपका किसके साथ ओके okay, कोलैबोरेट किया है आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ टू फॉर्मुलेट दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉर हाई स्पीड रेल्स हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम ये आपका फॉर्मुलेट किया गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है इंडियन ग्रीन काउंसिल के साथ टू फॉर्मुलेट दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम राइट अंडर दिस कोलेबरेशन एम ए एच एस आर दैट इज द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि काम करता है अंडर कंट्रोल ऑफ दस आर सी विल बी इंक्लूडेड फॉर द ग्रीन एच एस आर रेटिंग प्रोग्राम फॉर द आई जी बी सी ओके सो यहां पर आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोलैबरेट किसके साथ किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ हाई स्पीड रेल को ग्रीन रेटिंग दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम ग्रीन रेटिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि ये जो हाई स्पीड रेलवे हैं ये यहाँ पर आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करेंगी ये सब चीजें उस परपज से यहाँ पर ग्रीन रेटिंग प्रोग्राम यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन के लिए ये रेटिंग डिजाइन करेंगे जो भी लोग वहां पर आएंगे जाएंगे उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो यहां पर पॉल्यूशन फ्री हो यह चीज आपकी डिजाइन की गई है यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली नीचे दोनों के स्टेटिक फैक्ट है अच्छे से याद रख लीजिएगा ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं FlexiLoans.com ties up with the Retailio. Okay, fintech platform FlexiLoans.com ने partnership किया किसके साथ? Retailio के साथ partnership. Business to business healthcare marketplace है. To provide working capital loans to more than 1 lakh retailers and distributors. So यहाँ पर FlexiLoans का Retailio के साथ यहाँ पर partnership हुआ है. ये यहाँ पर working capital loan. उम्मीद करता हूँ working capital loan के बारे में आपको अच्छे से पता होगा. And because

स्टैटिक फैक्ट ओके सो ये हुआ आपका आज का करंट अफेयर्स इतना ही था आज का करंट अफेयर्स जाते-जाते एक जरूरी सूचना सुनते जाओ मेरे से ओके okay. जो लोग हमारे एनुअल मॉक टेस्ट के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है उनके लिए खुशखबरी है यहाँ पर उनके लिए आरआरबी पीओ आरआरबी पीओ की क्रैकर को सिर्फ ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल ही थी यहां पर आपका अब आरआरबी क्लर्क की

फिर प्लान्स में जाना मॉक सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना फाइव हंड्रेड आपको पे करना है जिसमें सारे के सारे जितने भी मॉक टेस्ट जितने भी बैंक एग्जाम ये आपको सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर ये सारे के सारे आपको एग्जाम के आने वाले एक साल के लिए मॉक टेस्ट फ्री मिल लेंगे इसके अंदर और अलॉन्ग विद डैट आपको जब ये पी कोर्स में आप देखोगे ये तो पिछले अवेलेबल हैं ये नहीं मिलेंगे बट जो अब जो आ रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ठीक है जिन लोगों ने पहले से ले रखा सोचो उनको कितना फायदा हुआ उनको एसबीए क्रैकर क्विज सीरीज फ्री में मिली फिर की क्रैकर क्विज सीरीज फ्री में मिली फिर अब क्लर्क की क्रैकर क्विज सीरीज उनको फ्री में मिल रही है सिर्फ 500 में मोक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं उसके अलावा ये सब चीजें भी आपको मिल रही है ठीक है तो इसलिए आने वाले डेज में भी ऐसा ही होता रहेगा आने वाले डेज में जब भी एग्जाम आएगा आईबीबीएस क्लर्क आएगा कोई भी एग्जाम होगा उनके भी क्रैकर को सीरीज मैं सीज पर लॉन्च करूंगा तो जो एनुअल मोकटेस्ट सब्सक्राइबर होंगे उनको वो चीजें फ्री मिलती रहेंगी तो इसलिए एनुअल मोकटेस ले लो फाइव हंड्रेड में सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे और ये तो है ही हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेगी और ये जितने भी क्विज होंगे टाइमर के साथ होंगे मतलब पांच क्वेश्चन थ बेस्ड पजल ये जो एक पजल होगी ये टाइमर के साथ होगी फिर डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन टाइमर अलग होगा लीनियर अरेंजमेंट इस तरह के इनका टाइमर अलग अलग होगा हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम अलग दिया जाएगा आपको अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए टाइमिंग दिया जाएगा ठीक है और डेली बेस पर सिंप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर से क्वारटिक के टेस्ट तो होंगे ही होंगे ठीक है उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आरआरबी क्रैकर क्विज सीरीज लॉन्च की जा चुकी है अब आज की डेट में करोगे तो पिछली क्रैकर को सीरीज फ्री में नहीं मिलेंगी आने वाली जो भी रहेंगी वो आपको फ्री में मिलती रहेंगी बट ये जो अगर आपको परचेज करना है तो आपको ये वेडनेसडे से शुरू हो रहा है तो आपको ट्यूसडे यानी कि परसों रात के बारह बजे तक अगर परचेज कर लोगे तो आपको फ्री मिल जाएगा उसके बाद अगर परचेज करोगे तो फिर आपको इतना पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इसको खरीदने के लिए अलग से ठीक है तो वैसे तो अलग से भी अगर परचेज करना है तो कर लो बट अकॉर्डिंग टू मी समझदारी इसी में है कि पूरा का पूरा मोक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ही ले लो मोक टेस्ट ही ले लो पूरा का पूरा जो 500 में मिल रहा है जिसमें अनगिनत हज़ारों हिंदी इंग्लिश सभी टेस्ट के सभी तरीके के मोक टेस्ट हैं आपके आई वी आर आर बी का भी है और जो लास्ट ईयर आई वी आर आर बी का एक चीज़ चेंज देखने को मिला था उसके इंटरफेस का तो हमारे मोक टेस्ट में वो जो नया इंटरफेस है वो अवेलेबल है जो नया इंटरफेस है ना आर का जो उन्होंने हिंदी इंग्लिश एक स्क्रीन पर लेकर आ गए थे तो वही इंटरफेस हमारे टेस्ट में मौजूद है ओके आज रात द एम सी क्यू सी क्लास नहीं होगी नहीं आज रात एम सी क्लास नहीं होगी एम सी क्लास हम कल करेंगे अब आज कोई और क्लास नहीं है ठीक है अब सीधा कल मिलेंगे कल सुबह आपकी साढ़े छः बजे जो आपकी प्लस क्लास रहती है ठीक है आर बी आई ग्रेड भी की कल सुबह साढ़े छः बजे प्लस क्लास होगी राइट ओके सो ये था सब कुछ आपका परचेज़ कर लेना प्लान को एनुअल प्लान को ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देने लग जाएगा इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी हो कोई टेक्निकल इश्यू हो या कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मेल कर सकते हैं स्टडी नीति गाइड एट जी मेल डॉट कॉम पर स्टडी नीति गाइड एट जी मेल डॉट कॉम पर मेल करोगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ से अगर कुछ और आपको पूछना है ओके okay. एंड ये डेली प्रैक्टिस के लिए है चीज़ें और जिन जिन लोगों ने इसको परचेज़ किया है उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी और ज़रूर बताइएगा इसके रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में वीडियो होने के बाद कि आपको हमारे साथ जुड़कर स्टडी नीति फैमिली के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है और वेरी सुन आई कैंट टेल यू द डेट्स बट वेरी सुन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट वी आर गोइंग टू कम विद गजब धमाका ओके जो कि आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा किसी ने एंड वेरी सोन फिफ्टीन 20 और ट्वेंटी फाइव डेज मैक्स टू मैक्स मुझे चाहिए उसके लिए और काम शुरू कर चुके हैं हम बहुत बड़ी चीज़ एक आने वाली हैं क्योंकि तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आपको शायद ही देखने को मिली होगी ठीक कैर बाय एंड सी यू अगेन मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के सफर में इसी तरह की के की क्लासेस में बने रहेगा जुड़े रहेगा मेरे साथ और लगे रहेगा टिके रहेगा और क्या कहूँगा बस यही कहूँगा ये कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो दुख सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोए ठीक है उसी तरह से मैं अगर आपके दुख में आपके साथ हूँ अगर आपके एग्ज़ाम में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम इस दौरान इन दिनों में चल रही है तो आप मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी मुझे उसी तरह से सपोर्ट करते रहिए थोड़ा बहुत टाइमिंग का इन नो इशू आ रहा है बट वो मेरी मजबूरी है किसी ना किसी इशू की वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ आपकी सुबह क्लासेस मैं चाहता हूँ सुबह लेना क्लासेस बट नहीं ले पा रहा हूँ और कुछ स्टूडेंट्स इस बात पर भी थोड़ा सा बोल रहे हैं कि सर सुबह साढ़े छः बजे आप प्लस क्लास तो ले लेते हो बट ये नहीं लेते हो जस्ट एक इतनी ही बात कहूँगा ज्यादा नहीं कह पाऊंगा कि मैं दो क्लासेस कंटिन्यूज नहीं ले पा रहा बस मेरे लिए इतना ही इश्यू हो रहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं ले पा रहा कंटिन्यू में बोल नहीं पा रहा और बस दैट इज द रीज़न इसलिए मैं शाम को एक क्लास ले रहा हूँ और मुझे भी यार थकान होती है शाम को मैं बैंक से आकर डायरेक्टली पढ़ाने लग जाता हूँ मुझे भी थकान होती है बहुत ज़्यादा टायर्ड होता हूँ फिर भी पढ़ा देता हूँ तो इसलिए बेटर है कि मैं सुबह पढ़ाऊँ इवन सुबह तो मैं फ्री हो जाता हूँ सुबह जब साढ़े छः में उठ ही गया उसके बाद मुझे बैंक तो दस बजे पहुँचना होता तो मैं साढ़े सात से लेकर दस बजे तक मेरे पास बहुत टाइम है मैं क्या करता हूँ उस टाइम कुछ नहीं करता बट किसी ना किसी मजबूरी की वजह से उस वजह क्लास नहीं ले पा रहा ठीक है तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग सेशन उस चीज़ का देख सकते हो ईज़िली अवेलेबल रहता है रिकॉर्डिंग सेशन रिकॉर्डिंग नहीं कहीं पर भी जाती है बट वेरी सुन जैसे ही मैं प्रॉपरली सही वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी सही होने वाला हूँ मैं क्योंकि तो ये प्रॉब्लम पिछले छः महीने से मेरे साथ चल रही है और बीच बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता तो अभी थोड़ी सीवियस सिचुएशन सी में चल रहा हूँ मैं अभी तो डोंट वरी बहुत जल्दी हम शाम की क्लास की बजाय हम सुबह क्लास लिया करेंगे आपके साथ बनेंगे जुड़ेंगे कोशिश यही है कोशिश जारी है टेक केयर बा बाय सी यू यूगेन इन टुमारो सिक्स थर्टी ए एम क्लास जो कि आर बी ग्रेड बी से रिलेटेड होगी